जनपद चमोली में शिक्षक दिवस के अवसर पर गीता स्वामी राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज गोपेश्वर में पुस्तक वितरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि यह आयोजन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत किया गया, जिसमें गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत मुख्य रूप से शामिल हुए। आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने जनपद के 8 शिक्षकों व 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने 108 विद्यालयों में लघु पुस्तकालय स्थापित करने के लिए पुस्तकों का वितरण भी किया। इसके तहत ही पूर्व गढ़वाल सांसद ने बृहद स्तर पर राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हिंदी को बढ़ावा देना, एक राष्ट्र एक भाषा, वो अपनी हिंदी हो और उसको लेकर के हर जिले में हर विद्यालयों में यह विषय जाए, तो वो एक विषय था। और दूसरा, साहित्यकार कुछ कवि ऐसे जिन्होंने अपने साहित्य के रूप में अपना विषय को आगे बढ़ाया, उनको सम्मानित और प्रधानाचार्य सभी स्कूलों के जिले के उनके विद्यालय को सम्मानित करने का एक गौरवशाली क्षण है हमारे लिए। और मैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह की अभिनव पहल शुरू की है कि शिक्षक दिवस पर अपने जनपद में जो चयनित शिक्षक और साहित्यकार हैं उनको सम्मानित करने के लिए। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इस अवसर पर चयनित किया गया। मैं पिछले 18 वर्ष से उच्च शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं गढ़वाली मातृभाषा अभियान चला रहा हूँ पिछले 5 सालों से, और उसके अंतर्गत जो हमारी खोई हुई उखाण है, कहावत है गढ़वाल की, और जिसमें बहुत बड़ी शिक्षा है एक संदेश है समाज के लिए, उसको मैं लोगों के बीच, नई पीढ़ी के बीच खासतौर पर ला रहा हूँ और सोशल मीडिया का प्रयोग करके। मेरे जो कार्य है साहित्य क्षेत्र में, बहुत ही लंबे समय से मैं लिखती रही हूँ। इसी के सापेक्ष 6 मेरे साथ काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 1 मेरा गजल संग्रह प्रकाशित हो चुका है, 70 से अधिक मेरे साझा संकलन हैं और महिला सशक्तिकरण से संबंधित बहुत सारे लेख मेरे प्रकाशित हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ समाज में जो भी गतिशीलता कहूँ या फिर जागरूकता के लिए कहूँ, निरंतर मेरा प्रयास रहता है कि मैं जन जागरूकता के लिए कुछ ना कुछ लिखती रहूँ। और हाँ, मैं एक साहित्यकार के रूप में यहाँ पे उभरी हूँ। जब भी मैं ग्रामांचल से आती हूँ